आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ वामदलों ने निकाला मार्च। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ माकपा, भाकपा माले और फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने 16 अक्टूबर 2019 को शाम 5 बजे से पक्का पुल टीले वाले मस्जिद से घंटाघर तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, देश में आर्थिक मंदी क्यों मोदी सरकार, जवाब दो। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, नौकरियों में छटनी क्यों, मोदी सरकार जवाब दो। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, कैशन के संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार पहले तो जनता का पैसा बेल आउट पैकेज के नाम पर पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए दे देती है, जिससे देश आज आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। और जब देश में मंदी है तो मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नाम पर रिजर्व बैंक का 1.76 लाख करोड़ रुपए अंबानी अडानी देकर जनता को सड़क पर लाने का काम कर रही है, जिसका वामदल राष्ट्रव्यापी विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में रमेश सिंह सेंगर, छोटेलाल परमानंद, राजीव गुप्ता, शिवा राम, शिवक सीमा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। लखनऊ, उत्तर प्रदेश से टाइम सिटी न्यूज के लिए कलीम इकबाल की रिपोर्ट।